पाव भाजी का प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है? फाइनल डन। मजा ही कुछ अलग है गाइस। ये क्या उठपटांग हरकतें करता रहता है ये रही सोटी वाली। क्या कर रहा है तू नंद्रु भाई? अरे क्या कर रहा है? इसे काटो मत यार, ऐसे ही खेलो, काटना मत, ठीक है? पापा के साथ खेलने मजा आता है खेलने में। ऐसे मत करो, ऐसे कोई खेलता है? लेके ध्रुव को लेके आ तू भाई। हाँ उसको लेके आ। वो हमारा फोन लेके चला गया। फोन वैसे तो लोग हैं पर मेरे ऊपर मत आना, मेरा फोन दे दो, फोन दे दो, फोन दे दो। नो लेके 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 ननू। गाइस जब भी आपको टाइम मिले और आप बाहर से आओ तो थोड़ा कुछ बच्चों के साथ खेलना चाहिए। देखो अभी हेतु दीदी कर रही है अपना होमवर्क। और तो गाइस हम आ चुके हैं खेत पे और आ चुका है हमारा भांजा विपू भाई और अपने दादा के लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेके आया है। तो चलो देखते हैं क्या गिफ्ट वो दादा को देते हैं। क्या है वो? मच्छर जाली, रेनकोट दिखाओ तुम। तो देखिए गाइस दादा के लिए रेनकोट भी आ गया और मच्छरदानी भी आ गई। ये फोल्डिंग है, फोल्डिंग है, करो फोल्ड करो। वाह गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे खेत में। जो हमारे खेत में सब्जी उतारने के लिए दीदी आई थी तो दीदी के लिए सब्जी हमारी ऑर्गेनिक सब्जी है जो है वो यहाँ पे लेने के लिए आ चुके हैं। तो माची है, दीदी है, मेरी मम्मी, देखो यहाँ पे करेला है छोटा सा, छोटे छोटे करेले लेते हो?
देखो इधर रहा, लो दीदी ले लो। दूधी कितने? तीन मिले, चार दूधी, करेला वहां पे काकड़ी है, वो ककड़ी का खेत है, और ये करेला, ये किया, और आगे के साइड वो दूधी है, और यहाँ मूंगफली है, वहां पे देख रहे हैं ना वो मूंगफली है, वहां हमारे भैंसों के लिए घास है। तो गाय ये सब ऑर्गेनिक है, जो नेचुरल तरीके से हमारे ऑर्गेनिक तरीका है उस तरीके से हमने पकाया है हमारे घर के लिए। यहाँ कोई भी पेस्टिसाइड दवाई का यूज नहीं किया हमने, कोई भी पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया। तो इस तरह से गाइस हम सब्जी उतारने के लिए आ चुके हैं खेत पर, और अब हम बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आगे के डूंगर, वो देखिए क्या व्यू आ रहा है गाइस, साए हुए बादल देखिए, वाओ गाइस क्या व्यू आ रहा है, देखिए पूरा खेत का व्यू, ओ माय गॉड, ये बरसती हुई बारिश और बारिश में उतर रहे हमारा सब्जी, और व्यूज क्या है गाइस, वाओ मजा ही कुछ अलग है गाइस। देखिए यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, और बारिश चल रही है, बादल लीले लीले बादल छाए हुए हैं, हरे हरे काले काले बादल, और बादलों के बीच में हम, मैं, दीदी, मम्मी, मासी सभी लोग साथ में। तो चलिए अब ककड़ी देखते हैं। ककड़ी है कहीं मिली? ककड़ी का तो हैंड है गाइस, हाँ इसका हैंड है, अब थोड़े दिन में नीच को निकाल देंगे, वो दूसरी सब्जी बो देंगे इसमें, यही कहीं पे देखा था, देखिए इधर आ ये रही छोटी वाली नीचे, और है कहीं यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। तो देखिए गाइस कितनी छोटी छोटी और एकदम बढ़िया हमारी ऑर्गेनिक ककड़ी, चलो माची को देते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज हमारा सब्जी जो उतारने का काम था वो हो चुका है पूरा, और अब चलते हैं हमारे वहीं पर हमारे झोपड़े पर, जहाँ क्योंकि बारिश आ रही है अभी, तो बारिश से भीगने के मैंने तो ये रेनकोट डाल रखा है जो दीदी नया लाई मेरे लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं पहना, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। लेकिन काकड़ी है ना वो, इसको हम गुजराती में काकड़ी बोलते हैं, आप क्या बोलना वो हमें बता देना, क्योंकि हमें पता नहीं है आप क्या बोलते हो, लेकिन पूरी ओर को निकल गई। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं घर, और दीदी और मासी बना रहे पाव भाजी, क्योंकि आज हमारी दोनों बिटिया का व्रत का लास्ट दिन है, तो पूरे 5 दिन तक उसने कुछ तीखा या नमक वाला नहीं खाया, तो अब ये पाव भाजी खाएगी, वो दोनों बिटिया रानी हो जाएगी खुश। तो देखिए किस तरह से बन रहा है हमारा पाव भाजी।
तो गाइज हेतु नन्नू को दोनों बिटिया रानी को आज व्रत था, तो आज व्रत का लास्ट दिन वो दोनों खेल रही अभी फिलहाल हमारे घर पर। वो पूजा करने के लिए गए थे, क्या किया पूजा में? पूजा तेल सुंगी डाला किया और उसको पता ही नहीं, आपको पता है क्या किया? और पानी लेके फिर से ने हमने गौर माँ के हाथ में पानी ढोड़ माता जी को पानी दिया। पानी और जुआरे को पानी पिलाया। ओके, और फिलहाल हमारा देखो हमारा भांजा वो मिट्टी में खेल रहा है। उसका सिटी से जो शहर से गांव आता है रविवार को, तो उसका खेलना बस यही खेल होता है, पूरे दिन खेलता ही रहता है। क्या प्योर मिट्टी? वाह दिखा। तो चलो उसके लिए 5 दिन उसने कुछ नमक वाला खाया ही नहीं, तो 5 दिन नहीं खाया, तो आज पाव भाजी खिलाते हैं इसको। तो पाव भाजी का प्रोग्राम रखते हैं, ठीक है? फाइनल डन। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है रेडी। तो ये भाजी, ये पाव वो सना और ये मूंग, ये क्योंकि दोनों बच्ची को आज त्योहार था, दोनों को व्रत था, तो उसके लिए सब कुछ बनाया हुआ है, क्योंकि आज वो व्रत का आज के दिन का एंड है। तो जल्दी से दोनों खाने लगी है कि कुछ भी हो जाए जल्दी जल्दी खाना लाओ। क्या आज पूरी रात जगने वाले हो ना तुम? जगना है तो पड़ेगा ना। पूरी रात जगोगे? तो चलो गाइस जल्दी से खाना निपटाते हैं। आपको नहीं खाना है यार? मस्ती ने पाव भाजी से। चलो 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 जल्दी जल्दी, ये क्या उठपटांग हरकते करता रहता है? यहाँ यहाँ वही वही पे बैठ जाओ, वही पे बैठ जाओ।